तो वायुव्यवस्था परिवर्तन करने से चंद्र मंगल की राशि में आता है। तो ये जो आध्यात्मिक तौर पे स्पिरिचुअल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू ये जो दृष्टिकोण है वो अलग तरह से, लेकिन ये जो मंगल गुरु शनि का संबंध है अपना जन्मभूमि के साथ एक रिश्ता बताता है कि हम कहाँ जन्म लेंगे, और वो हिसाब से जो बर्थ डेटा है, एक बर्थ डेट है, एक बर्थ टाइम है, जब तक हम बर्थ प्लेस एंटर नहीं करते तब तक की सिचुएशंस राशि आदि के हिसाब से प्लैनेट की पोजीशन एज इट इज रहती है सबके लिए ऑन दैट पर्टिकुलर हावर्स के लिए। लेकिन जैसे हम बर्थ प्लेस एंटर करते हैं पिक्चर चेंज होता है। तो पिक्चर क्यों चेंज होता है, ये मंगल गुरु शनि के हिसाब से कुंडली के अंदर मंगल गुरु शनि की पोजिशन चेंज होने की वजह से उसका प्रभाव अपना पूर्वजन्म के कर्मों के हिसाब से जो भी है, क्योंकि वो सिटी ऊपर के हाउसेस को रूल करते हैं काल कुंडली में, तो उसका जो जब तक प्रभाव है अपने मन और आत्मा गुरु शनि तब तक हमें ये रिश्ता यहाँ मंगल गुरु गुरु शनि के साथ मंगल लेके आता है, क्योंकि मंगल यहाँ से चतुर्थ दृष्टि से चंद्र को मन को माता को प्रभावित करता है और वो अपना एक बर्थ प्लेस लोकेशन बन जाता है। बहुत टाइम लोग पूछते हैं कि हम अगर जन्म स्थान से दूर चले जाए तो भाग्योदय होएगा कि नहीं होएगा, रिलोकेशन ऑफ द चार्ट वर्कआउट करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट वे कंडीशन में, वो एक अलग विषय रहता है कि जहाँ तक का भाग्योदय जन्म स्थान में नहीं है तो कहाँ, वो एक अलग विषय है। लेकिन कोई भी जहाँ तक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर बर्थ होना वो उसके कंट्रोल की बाहर की चीज रहती है, क्योंकि उसके अंदर ये तीन ग्रह मंगल गुरु शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव ये जो रहता है चतुर्थान चंद्र पे सबसे ज्यादा, जैसे बताया तीनों के अंदर ये कॉम्बिनेशन टोटली रोल प्ले करती है। तो कोई कितना भी सोच ले कि हम यही कंडीशन में यहाँ जाके मुहूर्त के हिसाब से करेंगे वो करेंगे, लेकिन नेचर जो डिसाइड करती है उसके पूरे जन्म के कर्म के हिसाब से उसका माता के साथ जन्मभूमि के साथ जहाँ रिलेशन रहेंगे वही सिचुएशंस उसे आगे बढ़ सकती है। ये एक मैंने अपना हिसाब से जो अनुभव तौर पर गौर किया था। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर ये जो कॉम्बिनेशंस है उसको अगर मैं चार्ट के हिसाब से देखने के जाऊँ कि अगर जिसकी कुंडली के अंदर मंगल गुरु शनि का प्रभाव अगर कुंडली के अंदर चतुर्थ स्थान में मिलता है तो उसकी कंडीशंस क्या हो सकती है, किसी तरह भी या लॉर्डशिप के हिसाब से कनेक्टेड तो उसका वेटेज वेटेज निकालने की कंडीशन अलग है कि कितना स्ट्रांग रिजल्ट दे पाएगा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग चीज़ है। लेकिन जो एक कंडीशन मिलती है वो आपके सामने एक चार्ट के जरिए रखता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा क्या रहेगा। बाकी के दृष्टियों बहुत सारे हैं, देखिए अभी एग्जाम टूडे एक चार्ट के जरिए रखता हूँ ये फैक्टर्स क्या रहेगा। अभी आपके सामने एक चार्ट रख रहा हूँ और वो कुंडली मैंने अपने हिसाब से रेक्टिफाई करके रखी थी मार्केट में शायद या और पब्लिकेशन में उसका चार्ट थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो कंडीशन बता रहा हूँ वो सिचुएशन आपके सामने आएगी और आप ये पत्रिका को बहुत अच्छी तरह जानते भी है। तो मैंने ये जो कंडीशन बताई है उसमें से ये चीज़ ध्यान रखिए कि जिसकी कुंडली में मंगल गुरु शनि का संबंध जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के साथ है तो जातक या तो एकदम अच्छी तरह आगे बढ़ सकता है या अच्छी तरह अपने को डिटोरेट भी कर सकता है चतुर्थ स्थान के साथ या आठवें स्थान के साथ वो सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो चार्ट है वो आपको बता रहा हूँ।
आप समझ गए होंगे कि ये चार्ट किसका है। ये अपने प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है। कई लोगों से तुला लग्न चार्ट पकड़ के चलते, लेकिन वृश्चिक लग्न मेरे हिसाब से सही बैठता है और रेक्टिफिकेशन करके हिसाब से मुझे मिला। अभी ये दूसरा कोई डिस्कशन नहीं करना है, हमने जो एक एस्पेक्ट पॉइंट अभी जो डिस्कस किया था उसके अंदर देखिए कि गुरु का सवन, मंगल का सवन और शनि का सवन, तीनों तीन ग्रह चतुर्थान के साथ कनेक्टेड है और आपको सब मालूम है कि माननीय मोदी जी आज कौन सी हाइट पे है, उनकी मदर उनके सामने जीवित है, इनके खुद की आयु 70 साल की हो गई है और मदर का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त अभी भी है। तो ये जो प्रभाव दूसरे कंडीशन बहुत सारे इसमें रहते हैं, ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक अनुभव के तौर पे जो आया कि ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं अगर रिलेशन मिलता है तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स या तो मदर के आशीर्वाद, जन्मभूमि का आशीर्वाद, या उसका रिवर्स भी हो सकता है, ये कंडीशन यहाँ ठीक है मिलती है। तो ये मंगल गुरु शनि का जो कॉम्बिनेशन है ये चतुर्थान में यहाँ मिला हुआ। दूसरा एक चार्ट बता रहा हूँ, यहाँ चार्ट है जिसमें मंगल गुरु, गुरु शनि वाइब्रेशंस ऑपरेट मंगल गुरु शनि के, मंगल गुरु पे गुरु का एस्पेक्ट सेवन, शनि का एस्पेक्ट गुरु पे गुरु के यहां और ये शनि। तो ये जो कॉम्बिनेशन मिलता है चतुर्थान को वाय गुरु के द्वारा, बराबर, तो ये कंडीशंस है कि उसे भी अपने जन्मभूमि माता, अपने ऋणानुबन संबंध जो भी बोलते हैं उनके जरिए बहुत अच्छी तरह उन्होंने डेवलप किया। और ये चार्ट है मुकेश अंबानी का चार्ट, ये चार्ट है मुकेश अंबानी का चार्ट के जिसके जरिए इन्होंने ये फैक्टर्स पकड़ के रखा। अभी तीसरा चार्ट रखने जा रहा हूँ आपको, ये जो चार्ट है ये उनका भाई है। इसमें सिर्फ लॉर्ड ऑफ फोर्थ के हिसाब से गुरु मंगल के एस्पेक्ट है, कई सपोर्टिंग फैक्टर्स नहीं है सर। दोनों एक ही फैमिली के मेंबर, दोनों की मदर एज ऑन टुडे अलाइव,
एक बाइक के कंडीशंस में देखिए कि गुरु शनि मंगल का स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग समझो, एस्पेक्ट समझो, वो यहाँ है। यहाँ सिर्फ गुरु मंगल चतुर्थ के साथ कनेक्टेड है, बाकी कोई कनेक्टेड नहीं है। तो करियर में अप एंड डाउन फैक्टर्स रहते हैं। लास्ट टाइम भी गत वर्ष ये संस्था में जब वक्री ग्रह का एक लेक्चर रखा था, तो ये दो भाइयों की कुंडली भी मैंने वहाँ रखी थी, लेकिन वो उसका एक अलग कंडीशन पे देखा गया था। तो ये आज जो यहाँ बताया कि कुंडली के अंदर अगर मंगल गुरु शनि की सिचुएशंस हमें मिलती है तो उसे किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, प्लस भी लेके जा सकते हैं, माइनस भी लेके जा सकते हैं कंडीशंस, और किस तरह से जा सकते हैं, वो एक फैक्टर्स हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी कंडीशन है जो एक और चार्ट है, इनका जो चार्ट है, ये चार्ट भी आप जानते हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि मार्केट के अंदर उनका जो चार्ट है कि जो पब्लिकेशंस में सब जगह है वो कर्ण लग्न का है, लेकिन लेट सी कृष्णमूर्ति पद्धति ने अंदर और कृष्णमूर्ति जी ने खुद इनका लग्न सिंह का 3 डिग्री बताया हुआ है, सिंह का 3 डिग्री का सिंह लग्न, ये इंदिरा गांधी की कुंडली है। और यहाँ भी आप देखेंगे खास तौर पे मंगल और गुरु का संबंध चतुर्थान के साथ है। उनकी लाइफ की जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी के हिसाब से देखेंगे या जो हमने ऑब्जर्व किया है, देखा हुआ है कि लाइफ के अंदर उसका जो चढ़ उतार रहा है माता से लेके हस्बैंड संजय गांधी और पॉलिटिकल चेंज और उसके साथ अपनी लाइफ की एंड, तो ये जो सिचुएशंस है उसमें भी ये कहीं ना कहीं ये कि यहाँ शनि का सपोर्ट जातक को बहुत कम मिला हुआ है। और इसकी कंडीशंस पे अगर ये भी प्रधानमंत्री थे, मोदी जी भी प्रधानमंत्री, बराबर है, वहाँ मंगल गुरु शनि का तीनों का सपोर्टिंग ग्राउंड वन ऑफ द एरिया असेसमेंट के लिए चार्ट के लिए है, और यहाँ भी यही एरिया है। तो कहने मतलब कि जब ये चार्ट एसेस करते हैं तो उसके अंदर वन ऑफ द एरिया मंगल गुरु शनि चतुर्स्थान या चतुर्स्थान के लॉर्ड के साथ कनेक्टेड अगर है तीनों का, तो कुंडली एक अलग तरह से एनालिसिस करनी चाहिए। तीन में से एक है तो जातक को उसमें मदर के साथ, मातृभूमि के साथ उतना व्यवहार, ब्लेसिंग्स बहुत कम रहते हैं, या उसे बहुत सारे एक ऋणानुबंध संबंध ये जन्म में भुगतने पड़ते हैं। तीसरी कंडीशन आती है कि अगर एक से दो है तो भी वो सिचुएशन जैसे अनिल अंबानी का चार्ट बताया था, मंगल गुरु सिर्फ लॉर्डशिप के साथ कनेक्टेड है गुरु का, बाकी कोई संबंध नहीं है चतुर्स्थान के साथ एक्सेप्ट लॉर्डशिप। तो जितना वेटेज फर्स्ट कुंडली में बताया वो एक वेटेज बन जाता है। ये भी एक वेटेज वाली कुंडली है लेकिन उसमें शनि का सपोर्ट नहीं है,
मुकेश अंबानी की कुंडली में बताया कि वाया गुरु के साथ उसका वेटेज कैसा स्ट्रांग बनते गया, क्या कंडीशन बनती गई, तो वो फोकसिंग सिचुएशंस उन्हें डेवलप करनी पड़ी। और आप देखिए कि मुकेश अंबानी का जन्म एडन में हुआ और उनका राइज इंडिया में, बॉम्बे में, ऑल ओवर इंडिया, जबकि अनिल अंबानी का जन्म बॉम्बे में है और उसकी कंडीशन देख सकते हैं कि उसका सपोर्टिंग ग्राउंड मंगल गुरु शनि, एक ही फैमिली के दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो कहने का मतलब कि जब भी जातक का बर्थ होता है तो वो अपने साथ मंगल गुरु शनि के जो फैक्टर्स हैं वो साथ में लेके आते हैं, और वो जो फैक्टर्स हैं वो हमें प्रभावित करते हैं। जैसे आपको बताया था, दूसरी भी कुंडली बाद में रखूँगा, कि जो फैक्टर्स बताया था कि वो क्या क्या प्रभावित करते हैं, जैसे उसमें बताया था कि आपको मंगल सूर्य को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि मंगल की जो शक्ति है और सूर्य की शक्ति दोनों अग्नि तत्व के ग्रह है। गुरु भी अग्नि तत्व का ग्रह है, लेकिन हम आकाश तत्व एक एरिया है, क्योंकि आकाश तत्व की कोई राशि नहीं है, बराबर तत्व के हिसाब से ग्रह है। तो मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व है, लेकिन ये शक्ति और ये शक्ति में आसमान जमीन का फर्क है। और मंगल जैसे बोला जाता है कि दो शक्ति एक साथ में नहीं रह सकती, कहीं ना कहीं फ्रिक्शंस घर्षण होने की संभावना रहती है, तो यहाँ दोनों की कंडीशंस में ये बहुत बैलेंसिंग जरूर रहता है। जिसकी जन्म कुंडली में मंगल और सूर्य अगर साथ में रिलेशन बना लेते हैं, रिलेशन बहुत तरह से बन सकते हैं, बराबर है। लेकिन तो यहाँ जातक को एक चेतावनी देनी पड़ती है कि फ्रिक्शंस ऑफ एरिया कहाँ से राइज हो सकते हैं, किस एरिया में जा सकते हैं, कौन से बोर्ड तक करवट ले सकता है। तो ये जो फैक्टर्स है ये कंडीशंस में आती है। दूसरी कंडीशन जैसे बताया कि शनि कर्म का कारक, शनि का कंट्रोल बुध पे नहीं है। बुध मैंने बुद्धि एनालिटिकल सिचुएशन कर सकता है, सिंक्रोनाइज कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है, बराबर। तो बुध का उपयोग है जातक को एक फ्रीडम देता है कि हमें अपने इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स की उपयोगिता पॉजिटिव वे में करनी है या नेगेटिव वे में करनी है, तब वो एक अपने लिए फ्रीडम है। बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे करना, कहाँ करना, किस तरह से करना, और धर्म के अनुसार, क्योंकि वहाँ गुरु का संबंध डायरेक्ट बनता है, बराबर। कभी कभी फोर्सफुली सिचुएशन आ जाती है तो वो कंडीशन बनती है, लेकिन बुद्धि का उपयोग अपने धर्म के अनुसार जहाँ न्याय संगत है वो हिसाब से करेंगे, तो वो फैक्टर्स कर्म बंधन नहीं बनता है। लेकिन एक बार ये गलत गया तो शनि उसका कर्म बंधन स्टार्ट कर देता है। इसलिए शुरुआत से बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है, वो अपने को फ्रीडम दिया हुआ है कुदरत ने। वो फ्रीडम ऐसा है कि हम उसे किस तरह से उपयोग करना वो अपने हाथ में है। लेकिन एक बार एक चीज जैसे जबान से कुछ शब्द निकल गए तो किसी भी तरह से हम उसको वापस नहीं ले सकते, वो एक बंधन हो जाता है, क्योंकि बुध वाचा का कारक है। एक बार कुछ स्टेप ले लिया, डिसीजन ले लिया और एप्लीकेशन रख दिया तो उसका रिजल्ट बाउंड टू बी देयर, क्योंकि शनि उसे बाद में फिगर आउट करता है। तो जब भी जातक जबान से बोलता है, विचार करता है, उसके एप्लीकेशन करता है, तब तक सब कुछ फ्रीडम फ्री है, वो अपने को कुदरत ने दिया हुआ है। लेकिन जैसे एक बार वो चीज निकल गई, कौन सी भी हालत में उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है
शनि की वजह से। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक महत्व की चीज है कुंडली के अंदर, कि मंगल सूर्य और शनि बुध का कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बहुत मायने रखते हैं। और खास तौर पे ये जो कॉम्बिनेशन है जातक को भटका भी सकता है और सही रास्ते पे भी लेके जा सकता है। वो जातक की बुद्धि पे निर्भर करता है, उसकी एप्टीट्यूड पे निर्भर करता है, उसकी एप्टीट्यूड पे निर्भर करता है कि उसे किस तरह अपनी लाइफ में, जिंदगी में स्टेप लेना है, निर्णय लेना है। लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो काल कुंडली में शनि बुध का संबंध कहीं भी नहीं है, कि इसलिए वहाँ फ्रीडम रखा है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर सब कुछ हम लोग भाग्य में लिखा के आए हुए हैं तो ये सब झंझट मारे क्यों, जो होना है वो होते रहेगा। तो वहां भी अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि संजोग अनुसार जातक को अपना निर्णय लेने की छूट है। जो भी संजोग है, जो भी परिस्थिति है, जो भी आसपास का वातावरण है, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो सबको ध्यान में रखते हैं निर्णय लेने की कंडीशंस, उनके साथ व्यवहार रखने की कंडीशंस, ये सब में फ्रीडम है। लेकिन एक बार ये स्टेप ले लिया तो उसका रिजल्ट के लिए हमारे पास कोई उपचार नहीं रहता है। वो एक मान निकल गया, जेबर निकल गई, व्यवहार हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। दैट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो ये जो कंडीशंस है शनि बुध का संबंध, यहाँ आता है मंगल सूर्य का संबंध, और जो गुरु है वो चंद्र सूर्य बुध का साथ और मंगल के साथ। ये जो सारी परिस्थिति है, मन, आत्मा, बुद्धि, चित, जो भी बोलो, और मंगल जिसमें हम बोले जाते हैं कि अपनी शारीरिक शक्ति, क्योंकि मंगल शारीरिक शक्ति का कारक, मसल पावर, एनर्जी, तो उसका उपयोग करने के लिए गुरु जो ज्ञान का कारक है, अपने धर्म के हिसाब से हमें ये सब का सही उपयोग करना है, शारीरिक शक्ति का, बुद्धि का, मन का और आत्मा के डेवलपमेंट के लिए ये सब सारी चीज में गुरु जो है, और उसमें कहीं भी शनि का कंडीशन नहीं आती है, गुरु शनि के साथ नहीं। लेकिन शनि का संबंध गुरु के साथ है, शनि का संबंध गुरु के साथ है। इसका मतलब कि हम जो यहां से करते हैं नाम के द्वारा वो भी एक कर्म के बंधन में आ जाता है। अगर उसमें भी कहीं भी गलत तरह से ज्ञान का उपयोग किया तो भी वो बंधन कारक हो जाता है, क्योंकि वहां शनि भी उसे कंट्रोल करता है। तो शनि का जो रोल है यहाँ बंधन कारक, कर्म कारक या कर्म का दाता, फल बराबर, वो इसके जरिए ये सबको कंट्रोल करता है, इसके जरिए सबको कंट्रोल करता है। किसके जरिए? गुरु के जरिए। डायरेक्ट सिर्फ चंद्र सूर्य के साथ शनि का संबंध आता है, मंगल के साथ आता है, तो यहाँ बुध छूट जाता है। बुध का उपयोग हम ये तीनों के लिए करते हैं, बाय माइंड, बाय अपना डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिकल एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो कॉम्बिनेशन है आइदर मटेरियलिस्टिक लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू या
स्पिरिचुअल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसका कंट्रोलिंग डायरेक्ट फैक्टर इनडायरेक्टली यहाँ हो जाता है। तो ये जो अपने ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र की रचना की उसके अंदर मैं कई बार सोच रहा था जब इसे 79 से स्टडी कर रहा हूँ तभी से कि मंगल गुरु शनि को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया। सिर्फ बाह्य ग्रह है ठीक है, तो लेकिन जैसे जैसे कुंडली के एनालिसिस बढ़ती गई करते गया तो एक माइंड थॉट प्रोसेस डेवलप होते गया कि नहीं कहीं ना कहीं इसका संबंध अपने माता के साथ और जन्मभूमि के साथ 101% होना चाहिए, क्योंकि चार्ट के अंदर से मैटर्निटी फिक्स है आपकी, पैटर्निटी ओनली मदर विल टेल। तो जो फिक्स है मैटर्निटी के थ्रू, जिसके थ्रू हमने जन्म लिया ये भूमि पे, तो उसका संबंध जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया शुरुआत में कि मंगल गुरु शनि का सिचुएशन जातक की कुंडली में बहुत अहम का महत्व का रोल भजन कर सकता है, ऊपर डाउन सब कुछ उसके कंट्रोल में रहता है। और ये जो कॉम्बिनेशंस है कि जिसमें बुध एक ऐसा ग्रह है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल ग्रह बोलते हैं, न्यूट्रल ग्रह को बोलते हैं, आपने सुना होगा कि बुध को न्यूट्रल ग्रह बोला गया है, शुभ ग्रह के साथ बैठेगा शुभ और अशुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो अशुभ, इसका मतलब बुध के पास दोनों चाबी है, उसकी छुरी की दो धार है। उसी तरह की कंडीशन है कि वो पॉजिटिव यूज़ करे या नेगेटिव यूज़ करे वो उसके पे निर्भर करता है, तो जातक की खुद की एप्टीट्यूड पे निर्भर करता है उसे बुध का उपयोग कैसे करना है। और बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है आत्मा के नज़दीक, तो हम लोग बोलते हैं कि बुध सूर्य बुध 28 डिग्री के अंदर रहते हैं और अंशात्मक माने से कंबस्ट हो जाते हैं। तो कंबस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि कंबस्ट का मतलब नेगेटिव हो जाता है कि नहीं, उसका एक प्रभाव है वो जातक को सही दिशा में भी लेके जा सकता है जो शायद दुनिया की नज़र में गलत हो, दुनिया की नज़र में लगेगा ये आदमी पागल है या डिसीजन नहीं ले रहा है, तो ऐसे जरूर माहौल बनता है लेकिन जरूर नहीं कि वो कंडीशन हो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यहाँ मेजर रोल प्ले करता है अंतर्ग्रह में। दूसरी कंडीशन आती है कि गुरु बुध को एक ठीक तरह से नाम के हिसाब से जातक को सपोर्ट देता रहता है, उसको उपयोग करना नहीं करना वो जातक पे निर्भर रहता है, साथ में गुरु ये सबको सपोर्टिंग राउंड देते रहता है, शरीर बुद्धि आत्मा चित मन जो भी आप सोचे, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय जो भी सोचे उस पर कंडीशन आ जाती है। और इसका कंट्रोल शनि करता है जो वाया ये सबको कवर करता है, अगर यहाँ से क्लियर है तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ से क्लियर नहीं है तो ये सबको कहीं ना कहीं उसकी इफेक्ट मिलेगी, वो इनडायरेक्टली इंटरनल इफेक्ट मिलती जाती है जो डायरेक्ट देखने में चार्ट में अपरेंटली नहीं दिखेंगे, जो अपरेंटली नहीं मिल सकती। और यहाँ जो कॉम्बिनेशन होता है मंगल और सूर्य का कंडीशंस, ये जो फैक्टर्स है कि अगर चार्ट के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में पाया जाता है तो वो चार्ट तक की सिचुएशंस बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान में लेनी पड़ेगी कि दो एनर्जी है, दोनों एनर्जी की कंडीशंस क्या हो सकती है, वो नॉर्मल ग्राउंड पे आप समझ सकते हैं कि दो एनर्जी साथ में हो जाए तो क्या विस्फोटक हो सकता है या कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकता है या डिस्ट्रक्टिव वर्क कर सकता है, तो दोनों कंडीशंस यहाँ एक ग्राउंड पे निर्भर रहती है। तो ये जो सिचुएशन है दैट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। अभी जो एक चार्ट अभी दे रहा हूँ आपको, ये चार्ट जो रखे थे वो एक सेलिब्रिटी की चार्ट आपके सामने रखे थे, दूसरे चार्ट दे रहा हूँ आपको
कि वो आपको लगेगा ये सिचुएशन में जातक। किस तरह से जाने अनजाने में अच्छी तरह अपने जीवन को बना रहा है, उसे मालूम है एक नहीं मालूम अलग चीज है, लेकिन अनजाने में बना रहा है। ये जो चार्ट है मेल चार्ट है, ये जो चार्ट है इसमें जैसे बताया है चतुस्थान में मंगल गुरु का जो एक रिक्वायरमेंट कंडीशन मिलती है और चतुस्थान के स्वामी के साथ शनि का दृष्टि। अभी ये जातक की जो कंडीशन है कि ये जातक बहुत क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड के साथ बहुत उसमें नोबलनेस है, विनम्रता है, बराबर अपने कार्य में निपुण है, सी ए एफ सी ए सी एफ ए कनेक्टेड है। जातक की कंडीशन स्ट्रांग बता रहे कि वो विदेश में भी जा सकता है, विदेश में अभ्यास करके आगे अच्छी तरह ले अपना करियर बना सकता है, ये उसकी कंडीशंस है। लेकिन वो जातक अपने माता के लिए रुका हुआ है क्योंकि माता की जो हेल्थ की सिचुएशन की वजह से रुका, वो अभी पॉइंट नहीं, माता की सिचुएशन की हेल्थ की वजह से वो रुका हुआ है। तीनों ग्रह कॉम्बिनेशन में उसे चतुस्थान के साथ जुड़े हुए और वो जाने अनजाने में माता के साथ का जो ऋण है करीबन 10 साल से 8-10 साल से माता की जो तबीयत है उसकी वजह से वो रुका हुआ है। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी उसे मिल रही है अब्रॉड जाने की, लेकिन वो नहीं जा रहा है। उसकी वजह एक ही है कि उसके माता की कंडीशन, तो जैसे ये कंडीशन है कि ये मंगल गुरु शनि कहीं ना कहीं उसका गुणानुबंध संबंध नोइंगली अनोइंगली मुझे लगता है कि वो